हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है, जय माता रानी। तो फ्रेंड, होली का जो मैं कटोरी चाट बना रही थी ना, तो कुछ गूंदा हुआ आटा ना बच गया था, जिसको मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। तो बस आज टाइम मिला तो मैं बोली चलो, ये ज़्यादा दिन तक फिर ख़राब हो जाएगा, तो आज मैं इसका सुहाली बना लेती हूँ और फिर काम आ जाएगा। कभी अगर चाट वाट बनाऊँगी ना तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस देखिए, मैंने ना इतना सारा सुहाली बना के रेडी कर लिया है और अभी बहुत सारा काम है फ्रेंड। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इधर मैंने चना को भी भिगो के रख दिया है कि चाट बनाऊँगी, तो चाट भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखिए, कल ना शीतला माई का पूजा है, तो कल शीतला माई का पूजा होने के कारण मैंने ना यहाँ पे रात हो चुका है, रात को 9 बज रहा है और मैं चावल बना के रखती हूँ। और कल के लिए मैंने इधर दूध भी उबाल के रख दिया है और इधर ना मैं मैगी का चावल बना रही हूँ कल के लिए। कल का सुबह और शाम के लिए मैं मैगी का चावल बना रही हूँ और इधर मैं कल के लिए दाल भी चढ़ा दी हूँ। अभी ना रात का 9 बज रहा है। देखिए, मैं आपको टाइमिंग भी दिखा रही हूँ। देखिए, रात का ना अभी 9 बज रहा है फ्रेंड, और मेरा उतना सारा आइटम बन गया है। उसके साथ साथ ना देखिए, ये एक भुजिया भी बन चुका है इधर। ये एक ना बिना लहसुन प्याज का ये एक सब्जी बन चुका है, और एक सब्जी बनाऊंगी क्योंकि इस तरफ तो अभी मैगी का चावल बैठा है, दाल बैठा है ना, तो दोनों तरफ गैस मेरा एंगेज है। हाँ, तो ये एक सब्जी ऑलरेडी बन चुका है और एक मैं बीन्स का सब्जी बनाऊंगी। फिर देखती हूँ मैं कि फिर क्या मैं बना सकती हूँ। दो सब्जी बना दूंगी, दाल बना दूंगी, चावल बना दूंगी, क्योंकि दो सब्जी ना मेरा सुबह शाम दो टाइम के लिए चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी इस पे ना गैस फिर मैं जला भी नहीं पाऊँगी ना और खाना नहीं बना पाऊँगी इसीलिए। तो फ्रेंड, रात को तो सारा मेरा काम वाम ख़त्म हो गया था। फिर ये दूसरे दिन का सुबह का देखिए, मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करके उसके बाद, आपको पता है कि पूजा कर लेने के बाद तो कोई चाय वाय भी पीना नहीं है, गैस भी मैं जला नहीं सकती हूँ। तो बस रात को जितना भी मैंने खाना बनाया है वही ब्रेकफास्ट भी करना है, दिन को भी खाना है, रात को भी खाना है, वही सब ही हमें खाना है। हाँ, बच्चे लोग को कुछ कुछ खा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो चलो वो लोग बाहर का थोड़ा स्नैक्स वनैक्स खा सकते हैं, बच्चे तो नहीं मानेंगे, बट हम लोग फॉलो करेंगे उस नियम को, हम मानेंगे। और उसके बाद ना फ्रेंड, मैं चली गई स्कूल, क्योंकि आज तो कुछ खाना बनाना नहीं था, मैं फ्री थी। तो मुझे ना तन्वी के स्कूल में ना कुछ काम था, तन्वी का ना बस पास बनाना था, फिर से एक मैंने बस पास नया बनाना था, तो फिर जाके बस वही मैं तन्वी का स्कूल चली गई थी। तो देखिए, ये जो एक मेरे पड़ोसी दीदी भी गए थे, उनका भी कुछ काम था तो वो भी अपना काम करने के लिए चले गए, मैं भी चले गई, तो बस हम दोनों ऐसे निकल गए। अच्छा लगता है ना कि दो जब दो मिल के जाते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं लगेगा जो कितना दूर है, अरे आप बोल रहे थे तो बैठ से आपको बना के नहीं आया, बना के आता तो टेंशन नहीं है। तन्वी के स्कूल में आए हुए हैं बस पास के लिए, बस पास बनाने के लिए वेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर का सिग्नेचर होगा, फिर जाके बनेगा बस पास। तो कब तक वेट लगेगा? आज हम लोग का आधा काम हुआ, आधा काम नहीं हुआ। तन्वी का भी फॉर्म पूरा साइन नहीं हुआ। हाँ, दीदी तो बेडशीट लेने गई थी, दीदी को बेडशीट मिल गया, दो बेडशीट खरीद ली। वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई और हम लोग कश्मीरी सूट भी देखे, बहुत सुंदर सुंदर था, पर हम लोग वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं वीडियो नहीं बना पाएंगे। और बस बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा स्नैक्स लेके आए हैं, बाहर जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं क्या क्या लेके आए बोल के, तो लेके आए। फिर कल तन्वी का स्कूल मेरे को जाना ही पड़ेगा, जैसे भी फिर जाएंगे। कल तन्वी का एग्ज़ाम है, लास्ट पेपर, जाके तन्वी का हो जाएगा कल, तो फिर ख़त्म हो जाएगा। और देखती हूँ अभी मैगी क्या कर रहा है। फिर मैगी भूख तो रहा था, तन्वी फ़ोन करी थी, फिर मैगी क्या कर रही है, जाके घर में फिर मिलते हैं आपसे।
दीदी कैसे बेडशीट लाए हैं, बाद में दीदी का बेडशीट दिखाऊंगी ना दीदी, शाम को आपका घर जाके बेडशीट दिखाएंगे ना। घर पहुंच गई हूँ, चले देखते हैं मैगी क्या कर रहा है। और तन दीदी उछल दिया रे, पूरे नेट का मेरा फाड़ देगा, हो गया ले। क्या मैगी को भी थोड़ा सा दे जूस, तन्वी मैगी को भी दो, मैगी को दे, मैगी को माजा दे, दे मैगी को दे, आजा पहले मेरा मैगू खाएगा। आ मैगी का बर्तन में डाल दो माजा, दे मैं डाल दूंगी, नहीं नहीं मैं डालूंगी, हाँ ठीक है माजा डाल दो, मैगी सेट 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 मैगी सेट सेट डाल दे, मैगी का बर्तन में माजा डाल दो, स्टे 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 मैगी स्टे, बस 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 बस, ओके जा। मैगी को कितना पसंद है देखो माजा, कितना खुश होता है। मैं कभी भी कहीं जाती हूँ ना तो मैगी क्या ला दिया है, मम्मी क्या ला दी क्या ला दी, पूरा हमारे मेरे लिए ये करता है, तो इसीलिए कुछ भी ला देने से मैगी को भी मिलना चाहिए, थोड़ा सी दे उसको, उसको मैंगो बहुत पसंद है, मैंगो शेक भी पीता है, मैंगो शेक माजा उसको बहुत पसंद है, देखिए अच्छी लग रही है, खुश खुश देखो, खुश होने से कैसे खुश, खुश मैगी, खुश मैगी, खुश हैप्पी मैगी, खुश खुश देखो, देखो खाते खाते पूछ रहा बर्गर है और समोसा, दो दो मैं समोसा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं बर्गर नहीं खाऊंगी, मेरे को भी बोल रहा है पहले बता दो। मैगी खाना खा लिया ना, अच्छा लग रहा है ना, हैप्पी। तो फ्रेंड देखिए आज का ना हमारा खाना सारा यही है, आज सारा हम जो कल में जितना खाना बनाई थी ना आज सारा हमारा यही बासी खाना है, ठंडा खाना है। तो तन्वी आप आज खाना खा रही, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, सारा ठंडा खाना चलेगा ना। तो मैं तन्वी का स्कूल गई थी और तन्वी का स्कूल गई थी कुछ भी काम बना नहीं, और आज हमारा यही खाना है जो कल मैंने सारा खाना रात को मैं बनाई थी, और इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाई हूँ कल जितना खाना मैं बनाई थी, और आज जो मैं पूजा भी की थी, और तन्वी का स्कूल भी गई थी, काम तो मेरा बना नहीं, जो मेरे फ्रेंड भी गए थे उन्होंने भी बेडशीट सब लिए, तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को कभी होगा तो बेडशीट वगैरह, बहुत अच्छा अच्छा बेडशीट था, और वहाँ पर तो मेरे को सूट करने को नहीं मिला, मना किए वो लोग तो मैं नहीं करी, और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग को, अच्छा मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये हम बासी क्यों खाते हैं, क्योंकि ना ये शीतला माँ का पूजा होता है, आप ये जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग को पता होगा कि शीतला माँ का पूजा करते हैं, तो मैं अगर ससुराल में रहती ना तो पूरा नियम और विधि विधान से आप लोग को बताती, मेरे सासू माँ मंदिर, हम लोग सबको ही मंदिर जाते हैं, मेरे जेठानी भी रहती, मैं भी रहती, मेरे सासू माँ रहते, तो सब हम लोग पूरा मंदिर जाते हैं, और घर में रहती तो बहुत सारा पकवान बनता और बहुत तरीके का बनता, इसमें क्या बोलते हैं कि बड़ा बनता है और गुलगुला बनता है, बहुत सारा चीज़ बनता है, पूड़ी बनता है, खीर बनता है। मैं यहाँ पे थी होली में तो इतना सारा हम लोग ऑयली खाए थे, फिर हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं खाते तो इसलिए मैंने नहीं बनाया, नॉर्मल जैसा हम लोग खाना खाते हैं वैसे खाना मैं बासी बना के रख दी थी, और आज मैं बिल्कुल भी गैस हम लोग जलाए भी नहीं, चाय भी हमने नहीं पिया, बस आज पूरा गैस हमारा बंद था, और वैसे ही पूरा कल जो जो मैं खाना बना के रखी थी सारा मैं आज खाना खाई, और शीतला माँ का पूजा करते हो उनके लिए आज का दिन पूरा ठंडा खाते हैं बस, और घर में रहती तो मैं दिखाती आपको पूरा तौर तरीके से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय माता रानी। जय हिंद।